अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करैक्टर्स हैं। 1878 में एक फिजियोलॉजिस्ट था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलहेल्म काहने, इसने जो है यूज़ की फर्स्ट टाइम टर्म एंजाइम। एंजाइम को फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया था। और एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इंजाइम्स आर ग्लोबल प्रोटीन लाइक ऑल प्रोटीन इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। जैसे अगर आप प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो अमाइनो एसिड अगर इकट्ठे उसकी चेन बना दी जाए तो आपके पास क्या बनेगा? प्रोटीन। तो इंजाइम्स भी क्या हैं? प्रोटीन है। लाइक ऑल प्रोटीन इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये हैं आपके पास अमाइनो एसिड्स। अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है तो एंजाइम भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे यूनिट्स को स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो आपके पास ये क्या आएगा? एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन का और एंजाइम का स्ट्रक्चर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसकी थ्री डायमेंशंस होंगी। फर्स्ट वन, इसका जो करैक्टर है वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर टू जो है वो आपके पास मोस्ट इंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिन पे एंजाइम वर्क कर रहे हैं तो वो मिलियन टाइम फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड। अनकैटलाइज्ड जिस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर रहे। एंजाइम का स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और कुछ यूज़ नहीं होंगे। तो एज़ विद ऑल कैटलाइज्ड एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाई द रिएक्शन दे कैटलाइज्ड। नेक्स्ट वन है, एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सब्सट्रेट। इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक किस तरह से है कि अगर ये इंजाइम है तो ये अपने सबस्ट्रेट को ही लेगा, ये ऐसा नहीं करेगा कि ये वाला सबस्ट्रेट ले रहे। ये दोनों सबस्ट्रेट हैं तो इसमें स्पेसिफिक कौन सा है, ये इसके साथ आएगा और अटैच हो जाएगा, ये वाले सबस्ट्रेट को नहीं लेगा। तो इंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। नेक्स्ट वन है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। एंजाइम का जो है वो एक स्मॉल पोर्शन यानी छोटा थोड़ा सा हिस्सा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा कैटालाइसिस में, जो रिएक्शन में और एक्टिव साइट को अटैच करेगा। द कैटालिटिक रीजन, ये कैटालिटिक रीजन है। कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कहा जाएगा उस रीजन को जो कि कैटालिटिक है। इट, ये रीजन जो है, ये जगह जो है, इट रिकग्नाइज, ये पहचानती है अपने सबस्ट्रेट को एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। अब एक्टिव साइट है, इसको पता है कि इसने कौन से सबस्ट्रेट को फिट करना है, तो कौन से को पहचानेगी? ये देखेगी कि ये काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट है, अब उसमें से फिट कौन सा होगा, उसे रिकग्नाइज करेगी, ये फिट होगा, इसको यहाँ पर अटैच करेगी। तो इस कैटालिटिक रीजन को कहा जाता है एक्टिव साइट। ये वाले सबस्ट्रेट को नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ फिट नहीं हो सकता, तो ये सबस्ट्रेट को यहाँ पर एक्टिव साइट पे बाइंड करेगी और जो रिएक्शन है उसे कैरी आउट करेगी। नेक्स्ट वन है, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस और डिमिनिश, यानी इसको बढ़ाया भी जा सकता है एंजाइम की प्रोडक्शन को और कम भी किया जा सकता है बाय अकॉर्डिंग टू दी नीड के अकॉर्डिंग। एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर्स क्या हैं? इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। अगर तो कम करना है, रोकना है प्रोडक्शन को, तो इनहिबिटर्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे और अगर ज़्यादा करना है तो एक्टिवेटर्स। तो एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस अगर एंजाइम की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है एक्टिवेटर्स, और अगर कम करना है उसकी प्रोडक्शन को तो फिर इनहिबिटर्स, यानी उसे रोकना है तो इनहिबिटर्स। तो इसकी मदद से हम लोग एंजाइम जो है उसको, उसकी जितनी भी अमाउंट है उसे खुद जो है रेगुलेट कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाई इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट है, सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स को एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती लेकिन कुछ को ज़रूरत होगी।
ठीक है, अगर कुछ को ज़रूरत होती है तो वो किस तरह से यहाँ पर अटैच होंगे तो वो देखते हैं। पहला है कोफैक्टर, कोफैक्टर, सम एंजाइम डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, हाउएवर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयन, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड कोफैक्टर। अगर तो आपके पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है या फिर आयन है तो ये कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है आपके पास? प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर तो वो क्या है? इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड, ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये है और ये बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो बाउंड है किसी भी इंजाइम के साथ, उसे कहा जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच, अगर वो लूजली अटैच है यानी अच्छी तरह से जो है उसके साथ नहीं है बल्कि उसको ईजीली तोड़ा जा सकता है, तो ये कह लें कि मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो करती हूँ, अगर वो लूजली अटैच है तो फिर उसे कहा जाएगा को इंजाइम्स। लूजली अटैच विद इंजाइम दे आर कॉल्ड को इंजाइम्स। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, मैं अभी बताती हूँ मेटाबॉलिक पाथवे, आपको आइडिया होगा। सम इंपॉर्टेंट विटामिंस भी हैं इसमें, एक्ट एज कोएंजाइम, इसमें काफ़ी विटामिंस के भी नाम लिखे हैं, आयंस के भी लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिक जो है आपके पास जो फैक्टर यूज़ किया था उसमें तो वो आपने लर्न करने हैं एज इट इज़। सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर में काम किस तरह से करेंगे, ये डायग्राम देखें। आपके पास एक एंजाइम है, एंजाइम ने अटैच किया सबस्ट्रेट को, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, तो ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। अब यीस्ट का सबस्ट्रेट क्या था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट एंजाइम है उसके लिए इस पहले वाले एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो इसके लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट, क्योंकि इसने इस पे एक्ट करना है तो ये क्या करेगा, इसको सबस्ट्रेट के तौर पे लेगा और अपनी एक्टिव साइट के साथ इसको अटैच करके आगे रिएक्शन करेगा। तो ये जो पूरा एक रास्ता है, पूरा एक प्रोसीजर है, इसे कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक द, वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर, तो प्रोडक्ट ऑफ अनदर, वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अदर एंजाइम, उसने उसके प्रोडक्ट को किसके तौर पे लिया, एज एन सबस्ट्रेट, आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट, इसी तरह इसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट वाले के लिए सबस्ट्रेट होगा, तो इस तरह पास आउट करके आगे चलता जाएगा, ये पाथवे कंप्लीट करेगा और लास्ट वन पे जो है फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो ये है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, इसको अच्छी तरह से लर्न करें। इसका क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।